हे दोस्तों, हाजिर हूं मैं आप लोगों के लिए एक और न्यू बिजनेस आइडिया लेकर, जिसकी शुरुआत आप अपने घर से ही कर सकते हो। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कोई भी मशीन खरीदने की जरूरत नहीं होगी और इस बिजनेस की शुरुआत आप कर सकते हो 20 से 25,000 रुपए में। तो अगर आपके पास बिजनेस शुरू करने के लिए 20 से 25,000 रुपए है तो इस वीडियो को देखते रहिए। हे दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आप देख रहे हैं कमाओ और कमाने दो की नई सीरीज, हमारे लघु उद्योग। ये इस सीरीज का 5वां एपिसोड है और आज के वीडियो में हम जिस बिजनेस आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं, वो बिजनेस आइडिया है आम का पापड़ बनाकर बेचने का बिजनेस। दोस्तों, आपने भी आम का पापड़ जरूर खाया होगा, लोगों को ये बहुत ज्यादा पसंद आता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे देश में बहुत सारे लोग इस लघु उद्योग को अपने घर से ही कर रहे हैं और अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कोई नया बिजनेस शुरू करना, तो आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अब दोस्तों, हो सकता है आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि आम तो एक ऐसा फ्रूट है जो सीजन के टाइम में ही अवेलेबल होता है, तो अगर आप ये बिजनेस शुरू करेंगे तो आपको 12 महीने तक आम कहाँ से मिलेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे देश में 1500 से भी ज्यादा आम की वैरायटी अवेलेबल होती है। उन 1500 में से कुछ वैरायटी ऐसी होती है जो ऑफ सीजन में भी अवेलेबल होती है। देखिए, आम आपको मिल जाता है अप्रैल से लेकर सितंबर तक, लेकिन कुछ वैरायटी के आम आपको मिलते हैं अक्टूबर से लेकर जनवरी एंड तक और फरवरी स्टार्टिंग तक। तो आप बेझिझक होकर इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। मार्केट में जितने भी लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं, वो लोग सीजन के टाइम सीजन के आम खरीदते हैं और ऑफ सीजन के टाइम में ऑफ सीजन के आम खरीदते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, सबसे पहले आपको अपने आसपास में देखना चाहिए कि आपके आसपास में आम पूरे 12 महीने अवेलेबल होगा कि नहीं होगा। अगर आपके आसपास में आम इजीली अवेलेबल नहीं होता तो आप ये बिजनेस मत कीजिए, लेकिन अगर इजीली अवेलेबल हो जाता है तो आप ये बिजनेस कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए, सबसे पहले देख लेते हैं कि आम पापड़ को बनाया कैसे जाता है। दोस्तों, मैं आपको जो प्रोसेस बता रहा हूँ, ये सेम प्रोसेस हर कंपनी फॉलो करती है, मतलब जो छोटे लेवल पे बिजनेस कर रहा है वो भी फॉलो करता है और बड़े लेवल पे जो बड़ी कंपनी बनाते हैं वो लोग भी यही फॉलो करते हैं। दोस्तों, आम पापड़ बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की जरूरत होगी, सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपको जरूरत होगी कटे हुए आम की, शक्कर की और काले नमक की। सबसे पहले आपको एक ट्रे लेनी है, उसके अंदर स्पैचुला की मदद से तेल लगा लेना है। दोस्तों, जो भी तेल साइड साइड में जमा हो जाएगा उसको आप टिश्यू पेपर या फिर कपड़े की मदद से पोंछ सकते हैं। उसके बाद में आपको एक मिक्सर की जरूरत होगी, जिसके अंदर आप कटे हुए आम के टुकड़े डालोगे और इसको पीसोगे। कुछ देर पीसने के बाद में आम का पल्प बनकर तैयार हो जाएगा, जिसको आपको पकाना होगा। पकाने के लिए आपको जरूरत होगी एक बर्तन की। बर्तन के अंदर आपको आम का पल्प डालना है और लगभग 5 से 7 मिनट के लिए इसको चलाते रहना है। उसके बाद में दोस्तों, इसके अंदर आपको शक्कर डालनी होगी और काला नमक डालना होगा। ये आपको कितनी क्वांटिटी में डालना है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। शक्कर और काला नमक डालने के बाद लगभग आपको 10 मिनट के लिए इसको और पकाना होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको लगातार इसको चलाते रहना होगा ताकि आम का पल्प बर्तन से चिपक ना जाए और जल ना जाए। 15 मिनट पका लेने के बाद में आपको इसको ट्रे के अंदर डालना होगा और अच्छे से फैला लेना होगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उसके बाद में इसको लगभग 2 से 3 दिन के लिए धूप में छोड़ देना होगा ताकि ये सूख जाए। अगर दोस्तों बारिश के टाइम में धूप नहीं निकलती है तो आप पंखे के नीचे भी इसको सुखाने के लिए छोड़ सकते हैं। ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन में ये बनकर तैयार हो जाता है। उसके बाद में आप इसको चाकू से या फिर पिज़्ज़ा कटर की मदद से काट सकते हैं और एक के ऊपर एक लेयर रख सकते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं मार्केट में जैसा मल्टी लेयर का आम पापड़ मिलता है, सेम टू सेम वैसा बनकर तैयार हो चुका है। अब आप इसको प्लास्टिक की थैली में पैक करके मार्केट में बेचने के लिए बेच सकते हो। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे आम पापड़ बनाने का प्रोसेस क्या होता है। जो लोग छोटे लेवल पे इस बिजनेस को करते हैं वो सेम टू सेम यही प्रोसेस अपनाते हैं, और जो लोग थोड़े से बड़े लेवल पे इस बिजनेस को करते हैं वो लोग मशीन की मदद से आम का पल्प बनाते हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक मशीन आती है जिसके अंदर आपको आम को छील के डालना होता है, फिर वो मशीन एक तरफ से गुठली बाहर निकाल देती है और दूसरी तरफ से पल्प बाहर निकाल देती है। ये मशीन आपको मार्केट में मिल जाती है लगभग 50,000 रुपए से लेकर 1,00,000 रुपए के बीच में। तो दोस्तों, इनिशियली आप इस बिजनेस को अपने घर से शुरू कर सकते हैं और एक बार आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगे उसके बाद में आप मशीन भी खरीद सकते हैं। चलिए, अब मैं आपको बता देता हूँ कि शक्कर आपको कितनी मात्रा में डालनी होती है। देखिए, 1 किलो जो आम का पल्प होता है उसके अंदर आप 15 से 20% शक्कर डाल सकते हैं, मतलब 1 किलो आम के पल्प में लगभग 150 ग्राम से लेकर 200 ग्राम तक शक्कर आप डाल सकते हैं। अब ये 1 किलो आम का पल्प कितने आमों से बनकर तैयार हो जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आम जो होते हैं उसके अंदर लगभग 40% तो वेस्ट मटेरियल होता है, जैसे कि गुठली और उसके छिलके। वेस्ट मटेरियल आम की वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, कुछ तरीके के आम में ज़्यादा वेस्ट मटेरियल निकलता है,
कुछ में थोड़ा कम निकलता है, फिर भी अगर हम ऑन एन एवरेज पकड़े तो 1 किलो आम में आपको 600 ग्राम पल्प मिल जाएगा। तो अगर आप 5 किलो आम लेते हैं तो आपको लगभग 3 किलो पल्प मिलेगा, और इस 3 किलो पल्प में आप 15% से लेके 20% तक शक्कर डाल सकते हैं, मतलब 450 ग्राम से लेके 600 ग्राम के बीच में। मान लीजिए हम 500 ग्राम शक्कर डालते हैं तो हमारे पास लगभग 3.5 किलो मटेरियल तैयार हो जाएगा। इस मटेरियल को गैस पे पकाने के बाद और सुखाने के बाद हमारे पास 70% ही आम का पापड़ बनकर तैयार होगा, मतलब 3.5 किलो में से लगभग 2.5 किलो आम का पापड़ बनकर तैयार हो जाता है। इस आम के पापड़ को बनाने के लिए क्या कॉस्टिंग आता है ये मैं आपको तब बताऊंगा जब हम प्रॉफिट कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर आप ये बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो आपको कौन से लाइसेंस लेने होंगे और कहां कहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपनी कंपनी को रजिस्टर करना होगा। कंपनी का रजिस्ट्रेशन आप किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हैं, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इसके बाद में आपको ट्रेड लाइसेंस लेना होता है, और ये एक तरह का फूड बिजनेस है इसलिए आपको FSSAI का लाइसेंस भी लेना होता है। इसके अलावा दोस्तों आपको BIS सर्टिफिकेट के लिए भी अप्लाई करना होगा। BIS सर्टिफिकेट का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इस प्रोडक्ट के लिए जो इंडियन स्टैंडर्ड है वो है 966:1962। इसके अलावा दोस्तों अगर आप आम पापड़ को ऑनलाइन बेचना चाहते हैं तो आपको GST नंबर भी लेना होगा, क्योंकि आप खुद जानते हैं ऑनलाइन किसी भी चीज़ को बेचने के लिए हमको GST नंबर की जरूरत होती है। इसके अलावा आपको किसी भी बैंक में करंट अकाउंट खुलाना होगा। तो दोस्तों अगर आप ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको इन सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट कैलकुलेशन के बारे में कि अगर आप ये बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, 2.5 किलो आम पापड़ बनाने के लिए आपको 5 किलो आम की जरूरत होगी और 0.5 किलो शक्कर की। तो आम मैंने यहाँ पे 100 रुपए किलो पकड़ा है, तो 5 किलो आम का हो जाएगा 500 रुपया। दोस्तों सीजन के टाइम में आम आपको और भी सस्ता मिलेगा, लगभग 40-50 रुपए किलो तक आसानी से मिल सकता है, और शक्कर आपको होलसेल मार्केट में मिल जाती है 30 रुपए से लेकर 35 रुपए किलो के बीच में, तो 500 ग्राम का हो जाएगा 15 रुपया। काले नमक का मैंने पकड़ा है 2 रुपया, और गैस के लिए आपको खर्च करने होंगे 12 रुपए से लेकर 13 रुपए के बीच में। तो अगर हम टोटल करें तो होता है 530 रुपया। दोस्तों 530 रुपए में से 500 रुपया तो आम का ही है, तो आप जितना सस्ता आम खरीदेंगे आपका कॉस्टिंग उतना ही कम पड़ेगा और आपका प्रॉफिट भी उतना ही ज्यादा होगा। तो दोस्तों 2.5 किलो आम पापड़ आपको 530 रुपए में बनकर तैयार हो जाएगा, तो 1 किलो का कॉस्टिंग पड़ेगा 212 रुपया। रिटेल काउंटर पे ये बिकता है 400 रुपए से लेके 450 रुपए किलो के बीच में, और ऑनलाइन बिकता है 500 रुपए से लेके 600 रुपए किलो के बीच में। ऑनलाइन मतलब Amazon, Flipkart ये सारी वेबसाइट के ऊपर। तो दोस्तों आम पापड़ को मार्केट में बेचने के लिए आपको उसको पैक भी करना होगा, तो पैकिंग का कॉस्ट मैंने यहाँ पे पकड़ा है 15 रुपए से लेके 20 रुपए तक। तो 1 किलो आम पापड़ आपका 230 रुपए में बनकर तैयार हो जाएगा, जिसमें आप 30-35% का प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके मार्केट में बेच सकते हो। मान लेते हैं हम 30% का प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हैं तो हो जाता है 299 रुपया, मतलब होलसेल में आप 299 रुपये किलो में बेच सकते हो। तो रिटेल काउंटर पे रिटेलर उसको 400-450 रुपये किलो तक बेच सकता है, तो उसका प्रॉफिट भी 30% से लेके 50% का होगा। दोस्तों अगर हम प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो रिटेल काउंटर पे आपको 1 किलो पर 70 रुपये का प्रॉफिट मार्जिन बचेगा, और अगर आप डायरेक्टली ऑनलाइन बेचते हैं मतलब Amazon पे या Flipkart पे, तो आपको कम से कम 150 रुपये का प्रॉफिट होने वाला है सारा खर्चा निकाल कर, मतलब Amazon और Flipkart को जो कमीशन देना पड़ता है वो सारा निकाल के भी कम से कम आपको 150 रुपये का फायदा होने वाला है। दोस्तों अगर आप डेली का टारगेट रखते हैं कि रिटेल काउंटर पे आप 20 किलो माल बेचेंगे तो 70 के हिसाब से हो जाता है 1400 रुपया, और ऑनलाइन अगर आप 5 किलो माल भी बेच देते हैं तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा 750 रुपया। तो रोजाना के आप 2150 रुपये कमा सकते हैं। अगर महीने में आप 25 दिन भी काम करते हैं तो आपका प्रॉफिट होता है 53,700 रुपया। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें हमने लेबर कॉस्ट नहीं जोड़ा है, अगर आप लेबर रखते हैं तो इसमें से आपको वो भी माइनस करना होगा। मान लीजिए आप 2 लेबर रखते हैं 10,000 रुपये के हिसाब से, तो 20,000 रुपये वहाँ चला जाएगा, फिर भी आपको 30,000 रुपये से लेकर 35,000 रुपये का प्रॉफिट होने वाला है। तो दोस्तों आपको एक आइडिया आ गया होगा कि अगर आप इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो आपको कितना प्रॉफिट इस बिजनेस से हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे आप बिजनेस को शुरू करेंगे इनिशियली आपको इतना प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे आपका माल बिकने लगेगा वैसे वैसे आपको प्रॉफिट भी दिखने लगेगा। इसके अलावा दोस्तों आप अपने प्रोडक्ट को 3 तरीकों से बेच सकते हैं। सबसे पहला, आप अपने आसपास के रिटेल काउंटर में जाके बेच सकते हैं। दूसरा, आप अपने ब्रांड के नाम से ऑनलाइन बेच सकते हैं। और तीसरा, इस प्रोडक्ट को आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा बाहर के देशों में भी इस प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा डिमांड होती है, तो आप इसको बना के बाहर के देशों में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नए कमाने के तरीकों के साथ।